नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ होने वाली है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग तेजस एक्सप्रेस के रेक के फैन हैं। अगर आपको ये ट्रेन अच्छी लगती है तो बात करते हैं इसी ट्रेन के रेक के बारे में। काफ़ी दिनों से स्लीपर तेजस एक्सप्रेस बनाने की बातें चल रही थी और आखिरकार इंडियन रेलवे की जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन्होंने स्लीपर जो रेक है उसको रिवील करा था कुछ दिनों पहले। अब हम लोग इसी बात में पड़ गए थे कि आखिरकार किस ट्रेन को ये दिया जाएगा, क्या ये एक अलग ट्रेन सर्विस होगी। और बहुत दिनों से हमारे मन में बातें चल रही थी कि किसी ना किसी दिन राजधानी एक्सप्रेस को अब बदलने का टाइम आ गया है। ये दोनों बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि इन दोनों बातों का कनेक्शन अब आ चुका है, क्योंकि रेलवे ने इन दोनों ही बातों का कनेक्शन करा है एक साथ। हमारी राजधानी अब डिफरेंट दिखनी चाहिए। यही सोचते हुए तेजस एक्सप्रेस का स्लीपर का जो अभी नया रेक बनकर के तैयार हुआ था, वो रेक अगरतला आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को दिया जा रहा है, ये तय हो गया दोस्तों। कल 15 फरवरी 2021 को ये पहला इनॉग्रल रन होने वाला है। कल से ये राजधानी एक्सप्रेस पूरी तरीके से तेजस के रेक को ले लेगी, मतलब तेजस ट्रेन का रेक होगा इसके अंदर स्लीपर वर्जन। अभी तक आपने सिटिंग का वर्जन देखा, लंबी दूरी के लिए वो नहीं है, लेकिन ये ट्रेन जो है बहुत लंबी दूरी तय करती है। और अगर रेलवे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है तो यहाँ से वैल्यूबल फीडबैक की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है रेलवे को, क्योंकि आप यात्रीगण जब इसमें सफ़र करेंगे, अब देखते हैं क्या फीडबैक आता है तेजस एक्सप्रेस के इस फुल्ली ऑटोमेटिक कोच का, जो कि स्लीपर वर्जन होगा। आप लोग जानते हैं कि ऑटोमेटिक डोर्स इसके अंदर होते हैं और इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS भी लगा होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले अगरतला राजधानी के बारे में बात कर लेता हूं दोस्तों। 28 अक्टूबर 2017 को पहली बार ये ट्रेन चली थी अगरतला से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में। ये ट्रेन सर्विस मंडे और वेडनेसडे, ये ट्रेन सर्विस अगरतला से हफ्ते में एक दिन मंडे को और आनंद विहार से वेडनेसडे को चला करती है। तो दोस्तों ये ट्रेन मैक्सिमम 130 kmph अचीव करती है, 59 kmph की इसकी एवरेज स्पीड है। दूसरी राजधानी के हिसाब से इसकी एवरेज स्पीड कम इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसका सफ़र ऐसे 6 स्टेट में से होके निकलता है, जिसकी वजह से इसकी जो लंबाई है, जो इसका रूट है, वो 2423 किलोमीटर का लगभग रूट है। इसी कारण से इसके 16 हॉल्ट हैं, 40 घंटे 50 मिनट पर ये कवर करती है, क्योंकि हर सेक्शन में स्पीड डिफरेंट हो सकती है। इसलिए राजधानी पूरी कोशिश करके भी 59 kmph की एवरेज स्पीड को बनाए रखने में अभी सक्षम है। कोविड से पहले दोस्तों इस ट्रेन का नंबर हुआ करता था 20501 अगरतला से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में, और अब ये अगले दिन, और क्योंकि मंडे को चल रही है तो फिर यही गाड़ी चलेगी अगरतला से। अब जो ये गाड़ी है कोविड पीरियड से पहले 14 कोचेस के साथ चला करती थी, जिसमें 2 EOG पावर वैन भी इंक्लूडेड है। लेकिन अब देखना होगा कि इसके अंदर पेंट्री कार इस बार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोविड का पीरियड है। अब अगरतला से लेकर के आनंद विहार टर्मिनल तक जो ट्रेन अभी चल रही है स्पेशल ट्रेन, उस ट्रेन को आप IRCTC पे चेक कर सकते हैं। 02502 नंबर से ये आनंद विहार टर्मिनल से अगरतला के बीच में चल रही है। NDLS अगरतला स्पेशल इसका नाम दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों तेजस एक्सप्रेस की। जब ये ट्रेन IRCTC ने निकाली थी, बड़ा ही एक अच्छा रिस्पॉन्स सामने से आया था। जब सबसे पहले गोवा के लिए ये ट्रेन चली थी, बहुत ही सुंदर वहाँ का दृश्य भी है, तो लोगों ने बहुत मज़े लिए इस ट्रेन के। बाकी स्टार्टिंग में जो रेलवे ने सोचा था कि LCD स्क्रीन लगाएंगे, एंटरटेनमेंट रहेगा, वो सब तो फेल रहा थोड़ा सा, क्योंकि लोग उसको डैमेज कर दिया करते थे। तो दोस्तों अब मेन बात आपको एक और बताता हूँ, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। आप लोगों का मानना होगा कि अगर एक कोच बना दिया या फिर एक रेक बना दिया तो एक ट्रेन को ये रेक देने से क्या फ़ायदा। अभी तो हमारे नए कोचेस आने का कोई हमें क्लियर ही नहीं है। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी एक न्यूज़ में ऑफिशियली PIB के द्वारा ये बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बीच में 500 तेजस के स्लीपर कोचेस का ऑर्डर दिया गया है। जो ये 500 कोचेस होंगे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा है। इनसे पता लगता है कि कई सारी ट्रेन्स को इस तरह की कोचेस मिल सकते हैं और नई सर्विस भी चालू हो सकती हैं आने वाले टाइम में। और IRCTC या फिर और भी जैसे कुछ प्लान है इंडियन रेलवे के कि और भी कंपनीज को मौका दिया जाएगा तो ट्रेनें इस तरीके से चलाई जा सकती हैं। तो ये कोचेस का जो ऑर्डर है वो ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो आपको पता है चेन्नई में है, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली MCF को दिया गया है। तो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये बनने वाले हैं दोस्तों।
तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से कि एक साल के अंदर हमारे को 500 कोचेस मिल जाएंगे, तो नई ट्रेनर्स की एकदम लड़ी लगने वाली है। जैसे जैसे रेक आते जाएंगे वैसे वैसे हमें ट्रेनें पता लगती जाएंगी किन का बदलाव हो रहा है और कौन सी नई सर्विस आ रही है। चलिए आप लोगों को वैसे तेजस की कुछ फैसिलिटीज़ तो पता होंगी दोस्तों, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ आज मैं एक और बार गिना देता हूँ। ऑटोमेटिक प्लग डोर, आप लोगों को पता है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल डोर होते हैं इसमें, जो कि एक गार्ड द्वारा, जो रेलवे का गार्ड है उसके द्वारा कंट्रोल होते हैं रेल इस ट्रेन के अंदर। जब तक ये डोर बंद नहीं होंगे तब तक ट्रेन चलती नहीं है। तो अब इस राजधानी के अंदर ये चेंज तो आने ही वाला है। स्टेनलेस स्टील की अंडर फ्रेम बॉडी होती है, बहुत ही अच्छी बात रहती है इस तरीके की बॉडी में। बायोवैक्यूम टॉयलेट सिस्टम होता है जिसके अंदर आपको इम्प्रूव्ड फ्लशिंग क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। एयर सस्पेंशन बॉगीज होती हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा ओवरऑल कम्फर्ट बढ़ जाता है। फायर अलार्म सिस्टम डिटेक्शन एंड सस्पेंशन, फायर अलार्म डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम इसके अंदर दिया गया है, सेफ्टी फीचर है। स्मार्ट फीचर इसमें यह है कि PICCU, जिसका मतलब होता है पैसेंजर इन्फॉर्मेशन कोच कंप्यूटिंग यूनिट, जिसके तहत इस कोचेस के अंदर बहुत सारे सेंसर के द्वारा हम बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं जो कि इसके अंदर लगा होता है। इसके तहत पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम या पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी काम करता है। डिजिटल डेस्टिनेशन बोर्ड भी इसके तहत काम करता है। CCTV जो कि इसके अंदर लगा हुआ है, डे नाइट विजन के साथ लगाया गया है। फेशियल रिकॉग्निशन भी ये कर सकता है, जिसके मतलब यहाँ पर ओवरऑल सेफ्टी जो है वो बहुत बढ़ने वाली है, किसी का सामान भी चोरी होने की संभावना ना के बराबर होने वाली है। इसके अंदर जो AC है दोस्तों वो हाई वोल्टेज AC सिस्टम, HVAC सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। टॉयलेट ऑक्यूपेंसी सेंसर लगाया गया है जिसमें टॉयलेट के अंदर अगर कोई है तो आप लोगों को पहले ही मालूम पड़ जाएगा। वाटर लेवल सेंसर भी इसके अंदर लगाया गया है जिसके द्वारा पता कर सकते हैं कि कोच के अंदर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। एमरजेंसी टॉकबैक फॉर मेडिकल एंड सिक्योरिटी एमरजेंसी के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप एक बटन दबा करके एमरजेंसी टॉक कर सकते हैं। ऑनबोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर बियरिंग व्हील टू इम्प्रूव सेफ्टी, इसके जो व्हील हैं जो बियरिंग है उनका ऑनबोर्ड, जब ये ट्रेन चल रही होगी ना दोस्तों तो हर कोच की एक एक व्हील की एक्टिविटी जो है वो भी रियल टाइम वॉच की जाएगी, जिससे कि ओवरऑल एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ना के बराबर कर दी जाएंगी। इसके अंदर ट्रेन सुपरवाइज़र एंड पावर कार मॉनिटरिंग सिस्टम KIOSK 18:5 इंच की एक स्क्रीन लगाई गई है, और जो ये स्क्रीन है इस स्क्रीन के ज़रिए दोस्तों पूरे रेक के अंदर एंटायर जो इसकी रेक की हालात है वो उसका जो मॉनिटरिंग है वो करी जा सकती है। और दोस्तों जो ये LCD स्क्रीन है पावर कार के अंदर लगा होगा, ये LCD स्क्रीन जो है वो कनेक्टेड होगा PICCU, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया, सिस्टम से ऑफ द पावर कार फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ पावर कार। तो पावर कार के अंदर ये सारी चीज़ें इक्विप्ड होंगी। इम्प्रूव्ड टॉयलेट यूनिट प्रोवाइडेड विद टचलेस फिटिंग, मार्बल फिनिश विद एंटी ग्राफ्टिंग कोटिंग, जेल कोटेड शेल्फ, न्यू डिज़ाइन डस्टबिन इसके अंदर दिया गया है, डोरलेस एक्टिवेटेड लाइट, एंगेजमेंट डिस्प्ले। तो टॉयलेट्स बहुत ही ज़्यादा अलग दिखने वाले हैं आपको स्लीपर कोचेस के अंदर। इंटीरियर आपको टेक्सचर्ड इंटीरियर मिलेगा, जैसे कि आपको पता ही है बहुत अच्छा इंटीरियर होता है तेजस एक्सप्रेस के कोचेस का, और PVC फिल्म का इसमें यूज़ किया गया है। अब इंटीरियर के अंदर जो सीट और बर्थ है उनके अंदर PU फोम का यूज़ किया गया है, जो कि ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा लॉन्ग जर्नी में। इसके अंदर रोलर ब्लाइंड ऑन विंडो, मतलब कि विंडो में कर्टेंस जो पर्दे वगैरह हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बटन दबाते ही रोलर ब्लाइंड एक फिल्म है वो आ जाएगी, जिससे कि आप धूप वगैरह से बच सकते हैं और अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं वो तो आपको पता ही है, जैसे कि आपको स्लीपर के अंदर मिलते हैं उसी तरीके से मिलते हैं। और सीटिंग वाली में जो पहले वाले कोचेस थे उनके अंदर तो हर सीट के लिए एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया गया था। बर्थ रीडिंग लाइट हर बर्थ के लिए प्रोवाइड की गई है ऐसा बताया जा रहा है। अब देखना होगा किस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन होने वाला, क्योंकि पहले सीटिंग वाले के लिए ये लाइटें हुआ करती थी। अपर बर्थ क्लाइंबिंग अरेंजमेंट, इसका मतलब है जो अपर बर्थ है उसको, उसके ऊपर अगर आपको चढ़ना है बैठना है उतरने चढ़ने के लिए जो इस बार फैसिलिटी दी गई है बेहतरीन दी गई है। तो दोस्तों यही कुछ फीचर थे, अब आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में बताना, और आप लोग तेजस एक्सप्रेस की इस स्लीपर जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताना आप कब जाने वाले हैं, क्योंकि अगरतला राजधानी तो अभी आपके लिए अवेलेबल है ही। और आप लोग का जो भी फीडबैक होगा मुझे भी दे देना, कैसे रहे कोच, किस तरह की क्वालिटी रही, इंस्टाग्राम पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।